पार्टी की तरफ से समर्थन मिला है पहलवानों को, क्या लगता है ये समर्थन जो है कितना लंबा जाने वाला, क्योंकि पहलवान जो है अभी तक एफआईआर के बाद में कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आज पूरे देश को आह्वान किया है कि जो देश की बेटियां हैं, ये जो देश के चमकते हुए सितारे हैं, इनके ऊपर जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के अध्यक्ष ब्रजमोहन शरण ने किया है, इसके खिलाफ इस लड़ाई के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। और ये लड़ाई वो रंग लाएगी देश की खेल नीति के अंदर आमूल चूल परिवर्तन इस जंतर मंत्र से इन बेटियों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लेकर आ जाए। देखिए क्यों जरूरत पड़ रही है तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा। इन पहलवानों ने 3 महीने पहले भी सरकार से दरखास्त करके जब कुछ नहीं किया तो 3 महीने पहले यहाँ जंतर मंत्र पे बैठे थे। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, 3 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर इन्होंने मजबूर होकर FIR लिखवाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर गए, दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं लिखी, FIR लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये खिलाड़ी किसी पार्टी के नहीं है, ये खिलाड़ी किसी राज्य के नहीं है, ये खिलाड़ी किसी जाति और धर्म के नहीं है, ये देश के खिलाड़ी है। इस देश के लिए मेडल लेके आते हैं और इस देश के लिए खिलाड़ी जो मेडल लेके आते हैं सारे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो हर पार्टी का, हर धर्म का, हर जाति का, हर प्रांत का फर्ज बनता है कि इनके मदद की जाए। तीन महीने तक इन्होंने केंद्र सरकार से गुहार की थी, केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे पहले भी इन्होंने अपील की थी कोई कार्रवाई नहीं करी, FIR तक नहीं लिखी, तो देश की जनता के सामने गए। सर यहाँ पर पहलवानों की तरफ से ये कहा गया है कि पहले भी उत्तर प्रदेश के द्वारा कहीं ना कहीं FIR दर्ज की जा चुकी है बोर्ड के खिलाफ, मगर कानूनी प्रक्रिया जो वो अभी 38 FIR दर्ज है, उस पर भी भरोसा नहीं है। 38 FIR दर्ज है, 2 FIR अभी हुई है, एक पॉस्को एक्ट में, एक सेक्शुअल एक्ट के अंदर हुई है। परंतु पहलवानों की मांग है इसको गिरफ्तार किया जाए, FIR तो इसके ऊपर होती ही रहती है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।